अचः परस्मिन् पूर्वविधौ, ये सूत्र यह वृद्धि को रोकने आ रहा है। स्थिति क्या थी? अवत ईत्र बचा है, सिचलोक हो गया, सब होकर के अवध धन ईत। इस अवस्था में सूत्र लगा रहे हैं आप, अचः परस्मिन् पूर्वविधौ। परनिमित्तो अजादेश स्थानिवत् स्यात्, स्थानीभूताद् अचः पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये, यदि स्थानिवत्वात् न वृद्धि। या तो हलादर लगाव से वकार के आकार को वृद्धि प्राप्त है, और वह वृद्धि जो प्राप्त है वह वर्ण जिसके स्थान पर वृद्धि प्राप्त है, वह जो अवर्ण लोप हुआ है उसके पूर्व में है। ध के आकार को अपने लोप किया था, किस सूत्र से? अतोलोपा सूत्र से। जो लोप हो गया उसके पीछे से वो पूर्व वर्ण है, और जो लोप हुआ था वह किस निमित्त से लोप हुआ था? इस आर धातु के कारण से लोप हुआ, इसके कारण आर्थिक पर लोप होता तो लोप। तो पर निमित्त, पर है निमित्त, उस निमित्त के कारण से यह एक अ था, एक क्या है अच, पर आर धातु को निमित्त मान करके अवर्ण रूपी अच के स्थान पर लोप रूप कार्य का आदेश हुआ है, और उस कार्य के पूर्व में अब कार्य पुनः प्राप्त है। देख लीजिए, पर निमित्त, पर हो गया आर धातु के वर्तमान प्रकरण में स्थल में, तन निमित्तक अच्छे अजो लोप हो गए उसके स्थान पे आदेश हुआ है क्या? लोप। यह लोपात्मक जो कार्य है वो क्या हो जाएगा? स्थानिवत स्यात्। तो स्थानिवत स्यात् मतलब क्या? अ दिखाई देगा वापस, स्थानी के धर्म वाला हो जाए, स्थानी के समान हो गया, मैंने लोप भी अ के समान हो गया। अब अ नहीं है वहां, लेकिन आपको लोप कैसे दिखेगा? अ के समान वहां दिखाई देगा, स्थानी के सदृश हो जाता है कार्य। कब? जब स्थानीय भूत उस अच की अपेक्षा से पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्य, पूर्वत्वेन दृष्ट जो भी शब्द है, वर्ण है, जो भी है, उसके स्थान पर कोई न कोई विधि कार्य करना चाहता है तो तभी स्थान भाव करना है, नहीं तो नहीं। पर आर धातु का आदि, यहां वर्तमान में आर धातु के जहां जैसे मिलेगा, आर धातु का आदि निमित्त को लेकर के जो अच के स्थान पे आदेश हुआ है, क्या कार्य आदेश हुआ यहां पर? लोपात्मक आदेश हुआ। किस अच के स्थान पे? धकारोत्तर अवर्ण रूपी अच के स्थान पर, धकार के उत्तरवर्ती अवर्ण रूपी अच के स्थान पर लोपात्मक कार्य का आदेश किया है आपने। इस आदेश को स्थानीय भाव हो जाएगा, वह आदेश स्थानी के समान हो जाएगा। कब? जब उस आदेश के पूर्व के में विद्यमान वर्ण के स्थान पर कोई विधि कार्य करना चाहता है तो। इसलिए वह लोपात्मक कार्य जो हुआ है उसका स्थानीय भाव कर दो। स्थानीय भाव करने से वह अवर्ण की अवर्ण जैसे वो हो गया अतएव अवर्ण दिखाई देगा, तो हलंत नहीं रहा। ततो हलादिर लगोह सूत्र से वृद्धि नहीं होगी, तो रूप बनेगा अवधीत। अवधीत अवधीत अवधिष्ठाम अवधिशु अवधि अवधिष्टम अवधिष्ट अवधिशम अवधिश्व अवधिश्म। अल्ड्रिंग लकार हन धातु का तो सीधा साधा है, हंस अल्ड्रिंग अट्टागम हो गया, अहन अल्ड्रिंग तिप कत्ती इतश सीलोप तो हल बच गया, सर्व संज्ञा हुई श प्राप्त हुआ बाद के सता से लड़ो, स्य हो गया अहन स्य त, आर्थ वाला से इट नहीं हो सकता, अनिट धातु है, तो रिद्धनो सिये सिये पीठ हो गया अहन इस्य त, आदेश प्रत्यय शत कर दीजिए अहन इस्य।
अहनिष्यत, अहनिष्यताम, अहनिष्यन, अहनिष्यः, अहनिष्यतम, अहनिष्यत, अहनिष्यम, अहनिष्याव, अहनिष्याम। अहन धातु के सभी रूप पूरा हो जाते हैं। पूरा चलाइए एक बार, क्योंकि अभ्यास करना जरूरी है, नहीं तो भूल ही जाएंगे रूपों। हन्ति हतः घ्नन्ति, हंसि हतः हथ, हन्मि हन्वः हन्मः, जघान जघ्नतुः जघ्नु, जघनिथ जघन्थ, जघ्नतुः जघ्न, जघान जघन, जघ्निव जघ्निम, हन्ता हन्तारौ हन्तारः, हन्तासि हन्तास्थः हन्तास्थ, हन्तास्मि हन्तास्वः हन्तास्मः, हनिष्यति हनिष्यतः हनिष्यन्ति, हनिष्यसि हनिष्यतः हनिष्यथ, हनिष्यामि हनिष्यावः, हन्तु हता हतां, घ्नन्तु जहि हता हतं हत, हनामि हनाव हनाम, अहन् अहताम् अघ्नन्, अहन् अहतम् अहत, अहनम् अहन्व अहन्म, हन्यात् हन्याताम् हन्युः, हन्याः हन्यातम् हन्यात, हन्याम् हन्याव हन्याम, वध्यात् वध्यास्ताम् वध्यासुः, वध्याः वध्यास्तम् वध्यास्त, वध्यासम् वध्यास्व वध्यास्म, अवधीत अवधिष्ठाम अवधिषु, अवधीः अवधिष्ठम अवधिष्ट, अवधिषम अवधिष्व अवधिष्व, अहनिष्यत अहनिष्यताम अहनिष्यन्, अहनिष्यः अहनिष्यतम अहनिष्यत, अहनिष्यम अहनिष्याव अहनिष्याम। यू मिश्रणामिश्रणयोः, यू मिश्रणामिश्रणयोः, यू धातु अर्थ है मिलाना और अलग करना, दोनों अर्थ होते हैं। मिश्रणम माने मिलाना, अमिश्रणम माने अलग करना। एक ही धातु का दोनों उल्टे अर्थ है, परस्पर विरुद्ध अर्थ। बहुत नहीं है, थोड़े ही है, इस तरह के दाना दान यो कज हु, दाना दान यो, देना भी लेना भी, दान है देना, आदान माने लेना, ज्यादा नहीं है, थोड़े ही इस तरह के धातु है। परस्पर विरुद्ध अर्थ प्रकरण से निर्णय करता हुआ करना पड़ता है, धातु किस अर्थ का प्रयोग हो गया, प्रकरण के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है अर्थ निर्णय करने के लिए। यू मिश्रणा मिश्रणयः, यू धातु से लट तिप शप लुक, तो क्रिया तो ही रहेगी यू धंती, क्या बचेगा यू धंती, हलादि पित बन गया, सूत्र आ रहा है उतो वृद्धि लुकी हली, उतो वृद्धिर लुकी हली, उतः षष्ठी का एक वचन, वृद्धि प्रथमा का एक वचन, लुकी सप्तमी का एक वचन, हली सप्तमी का एक वचन। लुक विषय है, जो लुक का विषय नहीं करेगा, इसलिए भुआई धातु में नहीं लगाता वहां पे, भूत वैसे दीर्घ था, रस्वांत नहीं था, रस्वांत शुरू धातु मिला था भुआदि में, लेकिन शब्द लुक नहीं हुआ है ना, शब्द रहता है, इसलिए जब शब्द लुक हुआ, लुक विषय लुक का विषय हो, उस स्थिति में उतः जो उदंत धातु है उनको क्या होगा वृद्धि कब, हलादि पिति सार धातु, हलादि हो सार धातु हो और पित्त हो, न तो अभ्यस्थस्य, इन अभ्यस्त को भी नहीं होगा, अभ्यस्त में उभे अभ्यस्तम, जो द्वित हो जाता है उसके बाद नहीं होगा, अभ्यास से नहीं बोल रहे हैं। हाँ अभ्यास अलग चीज है, अभ्यस्त अलग चीज है, दोनों भिन्न चीजें हैं। अभ्यास जो द्वित हुआ है, जैसे यहां यू यू द्वित हो गया मान लीजिए, केवल इसका अभ्यास संज्ञा होता है और अभ्यस्त संज्ञा दोनों संपूर्ण को होता है, दोनों को होता है, और आमृढ़ संज्ञा केवल पर को होता है, परम रूपम आमृढ़ तो विधि सूत्र है, परमाम रेडितम सूत्र है, परमाम रेडितम संज्ञा सूत्र है ना, इसे पर को केवल आमरेडित हुआ करता है
पूर्व को केवल अभ्यास होता है और दोनों को अभ्यस्त होता है। अलग अलग सूत्र हैं, अलग अलग विधियां हैं, कार्य भी अलग अलग है इनका अपना अपना, अभ्यस्त का भी अपना अलग अलग कार्य है। ये लट में लिट की बात नहीं है, ये लिट में तो अभ्यस्त संज्ञा हम कर ही नहीं रहे हैं। लिट लकार के परते धातुओं का अभ्यस्त संज्ञा ही नहीं होता है, ये तो कृदंतो में लाभ देगा। न तो अभ्यस्त जो निषेध कर रहे हैं ये यह धातुओं के प्रयोग के अंतर्गत नहीं है, ये आएगा कृदंत में। लुक विषय उतो वृद्धि पीति हलादो सार धातु के न तो अभ्यस्त। यहां देखिए वर्तमान जो युद्धंती अवस्था में क्या है, अभ्यस्त तो है नहीं, ये साफ है अभ्यस्त नहीं है। और ये सार धातु भी है, हलादी भी है, पित्त भी है। कौन? ती। ती कैसा है? पित्त, हलादी और सार धातु। इसी स्थिति में और लुक का विषय भी है, क्योंकि बीच में शब पा करके लुक हो गया है, लुक का विषय है। हलादी भी सार धातु विद्यमान है, धातु अभ्यस्त का अभ्यस्त संज्ञा को प्राप्त नहीं है, अतएव इस युग को क्या होगा? वृद्धि ही। वृद्धि क्या होगा? स्थान अंतरतम से औ रूप बन गया यौति। यौति युतः, युतः में क्या देगी? हलादी है सार धातु के, पित्त नहीं है, तस्व क्या हो जाता है? सार धातु का अपित सूत्र है, गिद्वोद्भव कर देगा, इसलिए युतः। और युधन जी, जी को अंति, जी को अंति आदेश हो गया, अन्न आदेश अंत आदेश हो गया, झोंता युधन अंति इक्वाइंट प्राप्त बात करके अचिष्ट धातु ग्रोर यंग वंगौ से वंग हो जाएगा युवंती। यौत युतः युवंती, यौति युतः युवंती बने। और यहां भी अपित है जी, जी अवस्था में हलादी भी था, सार्वधातुक भी है जी अवस्था में, बाद में अंत आदेश होने के बाद वो आजादी हो गया, तो हलादी भी नहीं रह गया, केवल सार्वधातुक, पित्त तो है ही नहीं, इसलिए वृद्धि यहां कहीं प्राप्त नहीं होता। इधर एक इंच प्राप्त था, उसके बाद क्या आपने अचेषुधातु से वंग कर दिया, वह रह गया, अंतिम मिला दो युवंती। यौशी यहां सिप क्या है? पित्त है, हलादी है, सार धातु है ना, सिप में से वृद्धि हो गई इसी सूत्र से, उतो वृद्धि उनकी हली। यौशी युथा युथा, यौमी वो भी मित्त है, मिप है ना मिप, वो भी पित्त है, पित्त है, सार धातु है, हलादी है, सारा नियम लग रहा है, इसे वहां पर वृद्धि हुई। यौमी युव युम समझिए, किंग टीचर एक लक्षणी बोल रहे हैं, मगर उकार तो इसमें तो है ही है, तो फिर किंग टीचर एक लक्षणी निषेध कर रहा ना, मगर ये उकार तो इसमें आ ही रहा, तो कैसे निषेध हो जाए? कहाँ निषेध होगा? हो नहीं रहा है, जो वृद्धि है प्राप्त है, कहाँ प्राप्त है? सो किंग टीचर तो निषेध हो रहा है, एक लक्षण है, मगर एक लक्षण है उकार तो इसके अंदर, तो अंदरवर्ती तो फिर क्यों नहीं हो रहा? और यद्यपि यह उतः स्थानीय निर्देश हो गया है, इसलिए इकौ गुण वृद्धि परिभाषा उपस्थित ही नहीं होगा, इकस्य षष्ठ्यंत उपस्थित नहीं हुआ यहाँ पर इस वृत्ति में, इसे नहीं करे लुक विषय इगंतांगस्य वृद्धि स्यात्, ऐसे नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला जाएगा ना स्वामी जी, अगर उकार को सिर्फ न तो इगंत अंग से कैसे बोल सकते, उकार के लिए अलग से है, तो अलग से है अर्थ का मतलब लेना या शब्द का मतलब लेना, ऐसा कुछ होता नहीं, नहीं वहां पर ऐसा नहीं कहा, वहां पर क्या कहा है, जब गुण शब्द के द्वारा या वृद्धि शब्द के द्वारा कहीं गुण वृद्धि विधान कर रहा हो वहां पर क्या होता है, इकस्य षष्ठ्यंत उपस्थित हो जाता है, और जिन सूत्रों में ऐसे इकस्य षष्ठ्यंत उपस्थित होकर के गुण वृद्धि का विधि हुई है उस गुण वृद्धि को ही किंच क्या करता है, कित गीत के प्रति निषेध करता है, इसे सूत्रक्रम के अष्टाध्याय में इको गुण पहले वृद्धि रेचि अधिंगुण इको गुण वृद्धि इंगित च, ये है चौथा सूत्र है। इसलिए जिस सूत्र में यहां पर इस सूत्र में वृद्धि शब्द है, वृद्धि शब्द है ना इस सूत्र में, इसलिए यहां भी इकस आएगा, यहां भी इकस, तभी किंगित लगा सकते हो, नहीं तो युता में वृद्धि निषेध नहीं कर पाएंगे अब गीत होने पर भी, तब आपको कहना पड़ेगा पित्त नहीं होने से वृद्धि नहीं हुआ, ये कहना पड़ेगा कि सूत्र में उत्तर वृद्धि रूल की होली में
पिति की अनुवृत्ति है। पित्वभावात गिच्छ पिन्न पिच्छ गिन्न, अतः जो तस है गित होने से पित नहीं है, पित नहीं होने से सूत्र गया, गर्भावृत्ति नहीं किया। किंगित के द्वारा वृत्ति का निषेध नहीं कर रहा हूं। गित्वात किंगित आकर के वृत्ति निषेध किया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्यों वैसे कहने में बड़ा गौरव काम करना पड़ेगा। क्या गौरव काम करना पड़ेगा? यह वृद्धि शब्द होने से इकस की उपस्थिति करनी पड़ेगी स्थानीय निर्देश होने के बाद भी, क्योंकि परिभाषा सूत्र कहाँ आते हैं? जहां स्थानीय का निर्देश नहीं है, व्यवस्था बिगड़ रही हो, या स्थानीय निर्देश होने के बावजूद भी वृद्धि शब्द के कारण से इकस को लाना पड़ेगा। और आपको कहना पड़ा इक रूपी जो उकार, उस उकार की वृद्धि हो, ऐसा अधिक कल्पना करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। या ऐसे करोगे वृत्तिकार ऐसे कहते तब किंगित जो वृद्धि निषेध करने आता। तो किंगित जो सूत्र केवल गित होने मात्र से निषेध करने नहीं आएगा, वो जिस सूत्र में इकस का आया हुआ है परिभाषा सूत्र से। क्यों आया इकस वहां? क्योंकि उस सूत्र में गुण या वृद्धि शब्द का प्रयोग करता हुआ गुण वृद्धि का विधान किया गया, जैसे सार्वधातु कारधातु का यह अंगस्य का अधिकार है। वो इतना ही कहता है सार्वधातु को रातधातु के पड़ते हुए अंग को आप वृद्धि गुण करें, अंग को गुण करें। जब ऐसे कह दिया तब आप विचार करेंगे फिर अंग में किसको गुण करूं, अव्यवस्था हुई ना, तब परिभाषा सूत्र आया इको गुण वृद्धि। जिस सूत्र में वृद्धि कर के शब्द से वृद्धि का या गुण के शब्द से गुण का विधान किया जा रहा हो, वहां पर स्थानीय की व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो इकस्य षष्ठ्यंत उपस्थित हो जाता है। और हम आदगुण में क्यों नहीं ला रहे इकस को? स्थानीय निर्देश हो गया ना, अवर्णाध्यक्ष परे पूर्व परयो गुण एकादेश, स्थानीय निर्देश हो गया कौन है? एक अवर्ण है, दूसरा परम विद्यमान, ये दोनों मेरा स्थान ही है। उस स्थानी के एक पूर्व परयोग अधिकार आ गया, वो जो दोनों के स्थान पर एक वृद्धि संचक वर्ण को गुण संचक वर्ण को बिठा दो, स्थानीय निश्चय हो गया, इसमें इकस आता नहीं है। इस तरह से यहां पर भी स्थानीय निर्देश हो गया है, इसमें इकस परिभाषा सूत्र की जरूरत नहीं है। और इकस यहां पर आया नहीं है, अतएव किंगित सूत्र भी नहीं आ सकता यहां पे। इसने क्या किया? पित्ति का अनुवृत्ति किया है सूत्र में, पित्त सार्वधातु प्रत्यय हुए वृद्धि होगा। और तस क्या है? सार्वधातु पित्त से गित होने के नाते हम कहेंगे क्या? गित्वात पित्त न, गित होने से वो पित्त नहीं है, पित्त नहीं होने से ये सूत्र नहीं लगेगा, ऐसे निषेध करना है। तो यौति युता युवंती यौशी युथा युथा यौम युवा युमा, युधातु से लिट लकार, युधन लिट, लिट को तिप तिप को नल, युधन और युधन और लिटि धातु अभ्यास यु यु या पूर्व अभ्यास अलादि शेष कोई जरूरत ही नहीं, कोई काम ही नहीं वहां पर, कोई कार्य है तो क्यों फालतू संज्ञाओं को लगाए, कोई कार्य नहीं है। यू यू धन सीधे सीधे अचो इणित से वृद्धि कर दो, अचो इणित वृद्धि हुआ यू यौ ये जो यथासंगम की सहायता से आव आदेश कर दिया युयाव युयाव। पूर्व अभ्यास वो सब नहीं लगेगा, क्या जरूरत है? कोई कार्य है क्या संज्ञा करूं? यदि कोई कार्य हो तब न संज्ञा करना, या संज्ञा सफलवती नियम है, संज्ञा करने से पहले हमें सोचना पड़ेगा वहां उस संज्ञा कोई काम भी है। हम इसको अभ्यास संज्ञा करेंगे, मान लीजिए क्या सूत्र लगाओगे? हलाशेष तो लग नहीं सकती, क्योंकि एक ही हल और कोई हल ही नहीं है, कोई ह्रस्व सूत्र लगाओ तो रस पहले से क्या करना है, उसमें रस सूत्र भी नहीं लगना है और अभ्यास चर्चा भी नहीं लगना है, कुछ भी नहीं है। जब कोई सूत्र लगना ही नहीं अभ्यास संज्ञा निमित्त कोई कार्य करने के लिए, तो संज्ञा क्यों करना, कोई जरूरत नहीं। सीधे अचंड से वृद्धि कर दीजिए, यथाशम सहायता से आप रेज आवाज कर दो, वर्ण मिलन कर दीजिए युयाव,
युयावा और बाकी सब जगह जपित नहीं है, कित हो जाएगा ना, असंयोगात लिट कित हो गया तो गुण वृद्धि नहीं होगी, फिर क्या होगा, इको एन प्राप्त था बात करके अचिष्ट धातु भोर यंग वंग वंग हो जाएगा युवतु युयाव युवतु युव युयवी था अचिष्ट धातु नहीं हाँ इसमें कितों में आजादी कितों में सब जगह उवंग कर देना और वहां भी इट हो जाएगा ना उधरी दंतेर कारिका में उधरी दंतेर कारिका में गिनाया है इसीलिए क्या होगा सेठ है सेठ होने से वहां थर्ड में भी इट हो जाएगा वह में भी इट सब आजादी हो जाएंगे सब जगह उवंग लग जाएगा पितों में क्या और क्या होगा गुण वृद्धि और कितों में उवंग तो युयाव युवतु युवो युयविथ यानी गुण करेंगे युयविथ गुण और अवादेश गुण कौन करेगा सार्धतु कार्धतु यो हो आर्धतु कहने थर्ड लिटच से अर्ध संज्ञा हो जाती है इसलिए इट हो गया अर्धष्ट वलादेश नित्य इट होने के कारण से गुण सार्धतु कार्धतु यो ये चाहिए अवादेश युयविथ युयविथ युवथु युयुव युयाव युयव युयुविव युयुविम ये हो जाएगा कोई युयु तो है ही है आपका है ना धातु थर्ड है उसको इट्टागम या गुण आदेश गुण सार्थकार देते हो ये चाहिए वायाव युयविथ युयविथ एक ही रूप बनेगा युवथु हो युयुवु हो फिर जो अव होगा आव होगा ना तो अव बनाया हमने कहा युयाव ठीक है नल में नहीं नीचे जो युजवित हो रहा है हाँ यावृति कहाँ हो रहा है यहाँ भी यौ पहला तो गुण हुआ ना गुण ही होगा यु यौ यौ नहीं होगा ना गुण क्या होता है आव थोड़ी हो जाएगा गुण यो वो होगा वो यू यो यू यो हो गया ना यहाँ पर ऐसे यहाँ नहीं होगा ना यहाँ वृद्धि होती तब ना होता हाँ वृद्धि होने से होगा यहाँ तो गुण है यहाँ गुण हो रहा ना नित नहीं हाँ पित्य तो है नित नहीं है नित के कारण से वो वृद्धि हुआ था लिटलकार में जो वृद्धि हुआ है वो नित के कारण से और थर्ड में नित नहीं है वो पित भले ही है पित हलाज सार्धातु में सूत्र वृद्धि कर रहा था ये तो अर्ध संज्ञा हो गई लिट से इसलिए वृद्धि तो हो नहीं सकती थी तो सार्धातु का अर्धातु का हमने गुण किया गुण होने से ओ हो गया ओ होने से चे वैसे अब आदेश होगा युवतो युयुव युयाव युयव वृद्धि नड़ुतमो वा एक बार वृद्धि हुआ तो आवादेश गुण हो गया तो अवादेश युयाव युयव युयुविव युयुविम उद्रीदंतैर यौति कारिका में देखो उद्रीदंतैर यौति उसके बाद यौति सबसे पहला है वहां कारिका में इसे सेठ है जो कारिका में गिना है अजंत वो सेठ होते हैं ना इसलिए वो सेठ धातु है यविता बनेगा इसलिए वो सारा नियम नहीं लगा यहां पर एक आज कुछ भी नहीं लगा है ना अभी क्योंकि सेट हो जाने के बाद वो नियम सब खत्म क्रादि नियम नहीं है ऋत भारद्वाज नहीं आएगा अजंतो अकारवान कुछ भी नहीं लगना है वो सब कब लगता है जब धातु तास में नित्य अनिट हो लेकिन जो धातु सेट है वह तास में नित्य सेट रहेगा जब तास में नित्य सेट है वहां पर विकल्प की चर्चा इसे यू में ये विचार ही नहीं होगा सीधे सीधे सब जगह इट करो गुण करो अवादेश कर दो यविता यवितारो यवितार यवितासी यवितास्त यवितास्त यवितास्म यवितास्व यवितास्म यविष्यति यविषद यविष्यन्ति यविष्यसि यविषद यविषद यविष्यामि यविषाव यविष्यामः यौतु युतात् वहां देखो कित्त हो गया ना युतात् यौतु युतात् युतां युवन्तु युहि युहि के शेर या पिच्चक दिया पिच्चक गिन्न किच्च पिन्न
यही को अपित कर दिया, उपित नहीं हो सकता, जो अपित होता है गित हो जाता है, इसे यु को वृद्धि नहीं हुआ। यदि सिप को ही हुआ, सिप का पित धर्म ही में आ सकता था, सिप का ही धर्म ही में, सिप का धर्म क्या था, पित्त, सिप का जो पित्त धर्म है वो ही में स्थानीय भाव से आ रहा था, उसको रोकने के लिए पांडव ने क्या कर दिया, अपित कह दिया। जब अपित कह दिया तो अपिसार तो गिद्वत हो गया, वो गिद्वत हुआ, इसलिए कहा पांडव ने जो गित हो गया उसको अपित नहीं बना सकते। भाष्यकार इसलिए कहते पिच गिन्न गिच पिन्न, यासुट में वैसे किया उन्हें, यासुट तुम गिच कर दिया, क्यों, यासुट किसको हो रहा था, जब तिप को हो जाएगा यास में क्या हो जाएगा, पित हो जाएगा, कि जिसको होता उसी का अवय होता है ना, पितों को करोगे तो पित हो जाएगा, गीतों को करोगे तो गीत हो जाएगा। अब यासुट को पितों में भी उसको गीत कैसे बनाऊं, तो पित को आगम होगा तो क्या हो जाता, वो पित हो जाता कि नहीं हो जाता, इस सूत्र में गिच्चा नहीं कहा होते हो, यासुट प्रसुदातुम गिच्छ, ये गिच्च को हटा दो सूत्र से तो पित रह जाता, ये समस्या थी। इसे उन्होंने जान करके गिच्च कह दिया। अब पित जो तिप का धर्म उस अवयभूत यासुट में आएगा नहीं, इसे जान की गीत कर दिया। ये सब ज्ञापन करते हैं तभी इन आधारों पर ही भाष्यकार कहते पिच्छ गिन्न गिच्छ पिन्न, अतः यू को यह वृद्धि नहीं हुआ। यदि भी हला दिए, देखो हलादी भी है, सार्वधातुक भी है, सिप के स्थान पर आदिश्य से पित भी था, है कि नहीं, लेकिन अपित कहने के कारण से गित हो गया, तो पिच्छ गिन्न गिच्छ पिन्न के आधार पर यहां वृद्धि नहीं हुई। यू ही युतात युतम युता यवानी यवाव यवाम, गुण गुण आवादेश तीनों में, यवानी यवाव यवाम, अप लंग लगा अयौत, तिप है शप, शप अलुक हो गया, यु को वृद्धि, यौ अट्टागम अयौती, ती का इतश सीलोप कर दो, अयौत अयौत अयुताम अयुवन, उवंग हो जाएगा, झोंता अंति है इतशीलोप संत सुलोप अन बचा, वंग आदेश हो गया, अयुवन अयौ अयुतम अयुत अयवम अयवम अयुव अयुम अयुव अयु युयात। देखो विधिलिंग में इसलिए हम वृद्धि नहीं कर रहे हैं, यू यात, यदि भी हमेशा विधिलिंग में हम लोग गुण वृद्धि कर लेते तो शप रहता था बीच में, इसीलिए वहां पता नहीं चला आपको यासुट को गीत करने का क्या लाभ है, बीच शप रहती थी, शप के कारण से आप गुण कर लेते थे, शप वो है वो पित है, वो अपित के पर में रहते हुए धातु गुण कर दे, भवेत बना दे, गुण आवादेश कर दिया, सीधे सिद्ध धातु था लघुपद गुण कर दिए, गुण वृद्धियां वहां हो जाते थे, शप के कारण से आपको वहां यासुट का महिमा पता नहीं चला, यासुट जो गीत किए थे वो पता नहीं चलता है, अब यहां के देखे पता चल रहा है। विधिलिंग यू या, इस पर बोल रहा था मैं, यू या, यहां देखिए तो क्या है, पित्त है, हलादी भी है, सार्वधातुक भी है, सब नियम लग रहा है, या को लूंगा तो भी वो हलादी है, सार्वधातुक भी है, क्योंकि या जो यास आगम हुआ है किसको, तिप को, जो उसका धर्म सब इसमें आ गया, इसे ये भी सार्वधातुक हो गया, स्वयं हलादी है, स्वयं यह क्या है, हलादी है, सार्वधातुक भी है, तिप का पित धर्मी आ रहा था, और हलादी पित को वृद्धि होनी चाहिए, तब पांडव ने क्या कर दिया, तुरंत इस यासुट को कर दिया गित, अब एक गित हो गया, इतना हिस्सा क्या हो गया, गित हो गया है। अब इन दोनों में चक्कर कटेगा ना, गित और पित में आपस में टकराव हो गया, पित मानो कि गित मानो, तब कहते गित जो हो गया एक बार विधि से वो पित नहीं हो सकता, और जो पित है उसे कभी आप गित नहीं कर सकते। धर्मों का अतिदेश किसी भी नियम के आधार पर आप नहीं कर सकते, इसे पित का धर्म कभी यासुट में आ नहीं सकता, और यासुट का धर्म जो है तिप में नहीं जा सकता, गिच्छ पिन्न
उसका फलस्वरूप यहां पर उतवृद्ध रुक ही हरी नहीं लगा। ये रूप क्या बनेगा? सीधा शब्द मिला देना है युयात, युयात युयाताम युयु। स्वयं लिख रहे थे मूल में पुस्तक में युयात, यह उतवृद्धि न, क्यों? भाष्ये गिच्छ पिन्न पिच्छ गिन्न इति व्याख्यानात्, मूल में बता दिया कि विशेष रूप से भी जो गित्व है वह सामान्य पित्त धर्म को बाध देगा, उसी के आधार पर बोल रहे गिच्च पिन्न पिच्छ गिन्न भाष्यकार। विशेष भी इतना गित्व और तिप में तो या सो ठो या न हो पित्त धर्म तो सदा बने रहने वाला है, इसलिए पित्त धर्म जो है वो सामान्य धर्म है और गित्व विशेष विहित धर्म है, इसीलिए वह विशेष विहित जो गित धर्म है वो पित्त को बाध दिया एक तरह से, अतवे कह दिया है भाष्यकार ने गिच्च पिन्न पिच्छ गिन्न। तो युयात युयाताम युयु, युयु में पूर्व कल जैसे गया उस्य पदांतात, उस्य पदांता सूत्र से पररूप एकादेश हो जाता है या के आ, सकार को सब जगह क्या कर रहे हैं आप लिंग सलोप अनंत से स्लोप कर रहे हैं, सकार तो लिंग सलोप अनंत से सभी भी पूरे विधि लिंग में लोप हो जाएगा और जो याक आ बचा वो लिंगो जर्जुस हुआ, जर्जुस जी को उस है आदेश हुआ, उसके ऊ के पड़ते हुए उसे प्रधानता से प्ररूप एकादेश हो गया युयुहु और युयाह युयातम युयात युयाम युयाव युयाम। और आशीर्लिंग में अकृत्सार धातु दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा, यु कऊ दीर्घ हो जाएगा, इतना ही अंतर है। और वहां तिप में तो सकार ग्लोप, सिप में भी सकार ग्लोप हो जाएगा, कोशियों का दियो ग्रंथि छ, बाकी सब जगह सकार का श्रवण होगा। तो यू या यू यास्ताम यू यासुह यू याह यू यास्तम यू यास्त यू यासम यू यास्व यू यास्म। और दीर्घ अकृत सार्वधातु की ओर दीर्घ, अकृत सार्वधातु दीर्घ सूत्र। क्षीयात क्षी धातु में पहले आप पढ़ा है वादिगण में क्षी क्षय धातु आया था वहां पर सूत्र आया। यू मिशनाम धातु से पुनः लुंग लकार, लुंग लकार के प्रतिवर्तागम अ यू धन लुंग अयु का प्रथम पुरुष एक वचन लक्षा में तिप हुआ, तिप कप्पा हलंत से हलंत विसंगे और लोप हो गया, ती कई तस्य से लोप हो गया, त हल बच गया। श्रीयुंगी छह सिच अस्त सिच अप्रत्य सेठ धातु में से आर धातु का सेठ वला दे है, इटा ईटी लोप हो गया, अयु ई ई सिची वृद्धि परस्मै पदेश आर्दृष्ट वलादेश इट हुआ, इट ईटी से सिच के सकार का लोप हो गया और वह वार्तिक आया सिच लोप एकादेश सिद्धो वक्तव्य, तो सिद्ध हो गया, अतः क्या हुआ आकाशवर्ण दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा अयु ई। अयु को क्या करोगे सिची वृद्धि परस्मै पदेश, वृद्धि कर देना, वृद्धि होने से अयौ आवादेश वर्ण मेलनम अयावीत अयावीत अयाविष्टाम अयाविशु अयावीहि अयाविष्टम अयाविष्ट अयाविषम अयाविश्व अयाविष्म। अवंत में सरल है लिंग लगा, यो मिश्रणाम समयों से लिंग लकार में क्या करेंगे अट्टागम, सबसे पहले लिंग को अट्टागम करो आयुधन लिंग, लिंग के लिंग को तिप तिप का ती इतिशील आयुधंत सार संज्ञा हुई शपन प्राप्त आयु स्य सार्धात्कार्धत्यो इट्टागम आयु इस्य त यो को सार्धात्कार्धत्यो गुण कर दीजिए
यो स्य त अयो स्य त ये च अवादेश वर्ण मेलनम आदिश प्रत्यय सत्व कर दो अयविष्यत अयविष्यत अयविष्यताम अयविष्यन अयविष्य अयविष्यतम अयविष्यत अयविष्यम अयविष्याव अयविष्याम या प्रापणे या धातु प्रापणे पहुंचना जाना अर्थ में है। इस रूप को चला ले पूरे एक बार पूरी थोड़ा अभ्यास हो जाएगा। यौति युतः युवन्ति यौषि युतः युथा यौम युवः युमः युयाव युवतुः युयुवः युयविथ युवतुः युयुवः युयाव युयव युयुविव युयुविम यविता यवितारो यवितार यवितासि यवितास्त यवितास्त यवितास्मि यवितासु यवितास्म यविष्यति यविष्यत यविष्यन्ति यविष्यसि यविष्यत यविष्यत यविष्यामि यविष्याव यविष्यामः यौतु युतात् युतां युवन्तु युहि युतात् युतं युत यवानि यवाव यवाम अयौत् अयुताम् अयुवन् अयौः अयुतम् अयुत अयवम् अयुव अयुम अयुवन् बनता है ना वैसले युयात् युयाताम् युयुः युयाः युयातम् युयात युयाम् युयाव युयाम युयात् युयास्ताम् युयासुः युयाः युयास्तम् युयास्त युयासं युयास्व युयास्म अयावीद अयाविष्काम अयाविशुः अयाविः अयाविष्टम अयाविष्ट अयाविषम अयाविश्व अयाविश्व अयविष्यत अविषदाम अयविष्यन् अयविष्य अयविष्यतम अयविष्यत अयविष्यम अयविष्याव अयविष्याम या प्रापण धातु लट लगा लट तिप शप लुक लट हो गया लट को तिप तिप गति बचा या धन्ति कर्तृशब्द से शप हुआ सार संज्ञा होने से तिप का शब को क्या होगा आदि प्रवृत्ति बिहस है शप लुक हो गया लुक होने के बाद या ती बचा मिला दीजिए याति याति यात यांति में आकर्षण दीर्घ कर देना झोंता या काका आकार और अंति आकार अकसण दीर यांति यात यात यांति यास याथ याथ याम याव याम और पा धातु का जो रूप बनाए थे ना जो जो सूत्र लगा था आदंत धातुओं में वो ध्यान रखना है या धन लिट लिट को दिट टिप्पणा नलगा या ओ या ओ पूर्वाभ्यास ह्रस्व या धन ओ आत औ नलः या धन औ वृद्धि ययो आत औ नलः अब देखिए अतुस में कौन सूत्र लगेगा आतो लोप इटीच आकार का लोप हो गया ययतुः उसमें भी ऐसे होगा ययोः ययौ ययतुः ययुः थर्ड में अजंत धातु होने से विकल्प सीट तास नित्य अनिट वाला धातु है ये गिनती नहीं है उसका अतएव क्या होगा विकल्प सीट होगा थर्ड में तो यया इथा एक पक्ष है उस पक्ष में आतलोप इटीच है इटी के बर्ते आतलोप हो जाएगा वो बनेगा यही था दूसरे पक्ष में मिला देना है ययथुः यया ययथुः यया ययौ वहां भी नल है आतौ नल लग जाएगा ययौ ययिव ये यम क्रादि नियम से नित्य हो जाएगा ये यव ये यम और तास में तो कोई काम ही नहीं अनिट है या और ता मिला दीजिए याता याता यातारो यातार यातासी यातास्थ यातास्थ यातास्मि यातास्वः यातास्मः याता एक और भी जगह होता है यात्री शब्द प्रयोग होता है किसके लिए नहीं ये ना या त्री इसकी भी बंधन याता यातारो यातारा याता माते सप्ते है था ना ननंदा उसमें स्त्रीलिंगांत में दिया था ना
न षट स्वसरादय स्वसरादि सात में याता की गिनती हुई थी। याता किसको कहते हैं? जेठानी को। जेठानी होती है ना, पति का जो बड़े भाई की पत्नी है उसको जेठानी कहते हैं, पति का छोटे भाई का पत्नी को देवरानी कहा जाता है। जेठ और देवर स्त्री का दृष्टिकोण से, स्त्री जो होती है उसके अपने पति का जो पति होता है, पति है उसके जो बड़ा भाई है उसके पत्नी को जेठानी, उसके लिए शब्द होता है संस्कृत में याता। वहां भी याता याता रहो, याता रहा बनता ही है देखने में, प्रथमा में वही रहेगा बाद में बदल जाता है। यहाँ भी प्रथम पुरुष में वही है ना, याता याता रहो याता रहो, यातास 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 रहो यातास यातास यातास्म यास्यति यास्यत यास्यन्ति यास्यसि यास्यत यास्यत यास्यामि यास्याव यास्याव यातु यातु यातात यातु यातात याताम यान्तु यान्तु याहि यातात यातम यात यानि याव याम। कोई काम नहीं है, सीधे सीधे मिलाते जाओ, कसम उधर करते जाओ ना, आजादियों में हलादियों में तो मिला देना। और लंग लकार में सूत्र विशेष लगा रहे हैं जी के लिए, केवल विकल्प से करना चाहते हैं जी को, जुस करना चाहते हैं लंग लकार में, अयात बनेगा, अयात अयाताम, यहां तक तो बना लीजिए कोई दिक्कत नहीं। फिर सूत्र लगेगा लंग शाकटायनस्यैव,